हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के संविदा कर्मियों के बारे में। तो बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं और बेल्टाउन के जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। यानी बेल्टाउन के जितने कर्मी, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय, IT गर्ल्स, स्टेनोग्राफर, इन सभी संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो वो कौन सी खुशखबरी है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मेरे इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में पाने के लिए आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, इस तरह की अपडेट्स रोज पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस न्यूज़ कटिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेटर को, ये जो पेपर की कटिंग है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है इनमें इनको होगा लाभ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ जो है ना, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संविदा पर काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशा, ममता कार्यकर्ता, सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों और तकनीकी कर्मचारी के साथ डॉक्टर, इंजीनियर सहित 3 लाख से अधिक कर्मियों को सेवा स्थायी करने की बात कही। मतलब कि यहाँ पे स्थायी करने का लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ अस्थायी सेवा में आने का लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी कि लोगों को अस्थायी करने की बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अस्थाई सेवा के लिए कमेटी, राज्य मंत्री परिषद ने संविदा पर काम कर रहे 3 लाख से अधिक कर्मचारी को अस्थाई करने की उच्च स्तरीय कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बैठक के लिए फैसले की फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों से बताया गया है कि जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री जी बुधवार को एक संवाददाता के सम्मेलन में देंगे, ठीक है। तो सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी की स्थायी करने के लिए मुख्य सचिव को अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। तो बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। इसमें से कर्मचारियों को अस्थायी करने के लिए कही गई है, उनमें मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी कि संविदा कर्मियों को यहाँ पे अस्थायी कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फैसला यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है। तो इस पेपर कटिंग के माध्यम से और यहाँ पे जो है, यहाँ पे महिला को यहाँ पे दिया हुआ है 35%, 35% का यहाँ पे आरक्षण महिला को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद संविदा पर नियुक्तियाँ होगी बंद, यहाँ पे क्या है, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बंद होगी संविदा पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बंद होगी संविदा पर नियुक्तियाँ, ठीक है। यानी कि अब संविदा पर बहाल नहीं की जाएगी, क्योंकि संविदा पर नियुक्ति का अनुभव अच्छा नहीं है, अब सीधी भर्ती होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि संविदा पर बहाल किए गए जितने भी कर्मी हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। उन लोगों ने बार बार धरना किया है अपने वेतनमान को लेकर, अपने स्थायीकरण के को लेकर। तो इसीलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इन लोगों को अब संविदा पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, अब सीधे भर्ती निकाली जाएगी, यानी अस्थायी भर्ती की जाएगी, ठीक है।